यहाँ पे उमुल खैर और रियान टू स्कूल के लिए रेडी हैं। सही है, जा रही हो? अभी से पानी पी रही हो? जाओ जल्दी से, बाबा भी आपके लिए वेट कर रहे हैं बाहर। सही है रियान, आराम आराम से तैरना, उमुल खैर आराम आराम से तैरना, गिना नहीं, आराम आराम से। भाई को दे दो अपनी वाटर पानी की बोतल, शेरियान इसी पानी की बोतल पकड़ लो, वाटर बॉटल, आप आराम से तैर के जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। आप आगे बढ़ो, आ रही है, आप दरवाज़ा खोलो, वो आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। दरवाज़ा सही से बंद करना, हाथ हटा के उमुल खैर। आराम से भागो, नहीं गिर जाओगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज़ परिन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, यहाँ भी ठीक है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और बस अब बच्चे चले गए, यहाँ से मुझे समेटना है, उमुल खैर के कपड़े वगैरह उठाने हैं, यहाँ से पाउडर वगैरह सब ऐसे डाल के जल्दी मुझे काम करना होता है, तो हैंगर वगैरह बस यहीं बैठ के यहाँ तैयार करती हूँ उनको, और अपना सामान उठा के रखें बाद में नोके। मैंने कहा आप लोग जाओ, फिर मैं आप लोग की जानकारी सब समेटती हूँ, बस यहाँ से ये समेटना है। रियान अपने कपड़े उठा के रख के चले गए, यहाँ रख दिए, इनके भी उठा के मुझे सही से रखने, और बस कमरा समेटना, और फिर करते हैं थोड़ा आराम, फिर जाएंगे इनको स्कूल। आज तो 1 बजे छुट्टी होगी, रियान जो है, रियान की छुट्टी 12:30, उमुल खैर की छुट्टी 12:30 पर होती है, पर रियान की 1 बजे, पर मैं दोनों को 1 बजे ही लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं 12:30 बजे जाऊँगी, फिर 1 बजे जाऊँगी, तो बस 1 बजे जाएंगे एक साथ। जब तक अपना काम करते हैं, खाना बना हुआ है बस, कितने बजे उठ के मुझे बनाना, 12:30 पर लाइट जाएगी, 12 बजे उठ के मुझे रोटियाँ वगैरह बनानी है इन लोगों की, आटा गूंथ कर रोटी बनानी है, 11:30-12 बजे तक, फिर बस जब तक इनका कर लेते हैं काम, क्योंकि मैं अगर 12:30 बजे अगर रोटी नहीं बनाई ना मैंने, तो फिर आएगी लाइट 3:30 बजे, तो फिर बच्चे कितनी देर तक भूखे रहेंगे, तो लाइट नहीं तो गैस दी, लाइट होती तो गैस दी। चलिए ये करते हैं तैयारी, कमरे को साफ करते हैं और फिर उसके बाद आराम करते हैं। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, तो बस अब चलते हैं स्कूल से लेने बच्चों को, 1 बजने वाला है, 5-10 मिनट है, इसे लॉक करते हैं। इन लोगों को हमने ले लिया स्कूल से, दोनों आ गए और जूस पीने का आज मम्मा जूस पीने का, सीधे चलो सीधे चलो, नहीं कोई चूस नहीं, वो इससे नहीं सीधे नहीं, ये क्या लगा हुआ, बिल्लू का लगा मुंह के ऊपर निशान, चलो क्या चले, चलिए चलिए ऊपर जाकर उतार लेना रियान, शूज है बेटा, चप्पल थोड़ी यहाँ उतार रहे हो, चलिए यहाँ उतार लो साइड में, बस 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 यहाँ ऐसे शूज खराब होंगे मुड़ रहे हैं, हाँ यहाँ साइड में उतारो, ये लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, बल्कि मैं खोल दे रही हूँ, चलो आपके हाथ में, मेरा वो भी हुआ है ना, वजनदार अभी हम अंदर आ गए, ये देखो पर मैं चीज लेकर आई हूं गाइस, वो सारी लेकर आई हूं, एक ये बंटी, ये और ये, ये पीजी वाली ये चली और ये बंटी है, हमने आप अच्छा गाइस यहां पे रियान तैयार हो गए हैं ट्यूशन जाने के लिए, जब से स्कूल से आए हैं बस मोबाइल में लगे हुए थे, अभी मैंने इनको जल्दी रेडी करा है कि रेडी हो, खाने की वजह से बैठे हुए थे, लाइट आई है तो, हाँ धूप आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है, ज़्यादा देर हो गई, 4:30 होने, जल्दी देर हो गई है, जल्दी से जाओ, अब डांट भी खाना बजे, ये कहना कि मेरी वजह से देर हुई है ना, कहेंगे तो स्कूल जाके नहीं खाया खाना, अच्छा चलो पानी डालना हो तो भूल जाती हूँ, इनको डालना भी है, डाल दूंगी मैं बाद में, टाइम पे डालते हैं इनको, जाओ अल्लाह हाफिज़, लड़के मजबूत होते हैं, भी है, जाओ अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी यहाँ पे रियान ट्यूशन से आ चुके हैं, उमुल खैर सो के उठ के खाना वाना भी खिला दिए इनको, नहला धुला के तैयार करके अब जा रही हैं ट्यूशन मदर से, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ जी, बोलो कोई नहीं, माँ को बोल दूँ फिर भी माँ का।
अच्छा वो हटा देंगे, उसको मैंने बोल दिया था बाजी को, अब हमारे का तो उसको हटा दीजिएगा रूम से। तो कहते हैं अच्छा सही, किसको जौला पे प्रियान थोड़ा पजामे को नीचे करो। हाँ डेकोरेट करके रखा है, चलो कमरे में देख लो जाके पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नहीं करा आपने, देखो करा ना डेकोरेशन, डेकोरेट किया है अब यही वाला डेकोरेट था घर, अच्छा लग रहा है ना, तो बस मैंने यही डेकोरेट कर दिया। अब चलो अच्छा ये रखो छिपा रखो भाई को, हाँ मैंने कहा चलो बिछा दूँ आज घर में, वैसे तो मैं सोचती कोई आता जब बिछाती। चलो पाँव ऊपर मट्टी लेके नहीं बैठा, मैं पोछा लगा रही हूँ। चाबी का रख दिया आपने रहन, मैं ढूंढती रहूँगी, देखो गलत गलत जगहों पे रख दे तो फिर मैं परेशान होती हूँ, आप चाबी हमेशा खो देते हो। रहन टोपी उतारो बेटा गर्मी, चलो बैठो आराम करो। अभी मैं झाड़ू देके पोछा ही लगा रही थी, इतनी देर में ये लोग आ गए। आज भी जल्दी छुट्टी, सबक याद था जी। अच्छा जी गाइस यहाँ पे लाइट आ चुकी है, हाँ यहाँ छुप जाओ आप, छुप जाओ इनके नानी टू आई है, नानी टू को डाइए, छुपो 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 मैं आ रही हूँ। देखो कोई आया है, रेयान आप कहाँ गए थे, नीचे दरवाजा खोलने गए थे नहीं, तो आप क्या करने गए थे। अस्सलाम वालेकुम, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अच्छा आ जाती हैं आप घर पे बैठी हो अकेले आ जाती, हाँ तो आ जाती हैं आप, खाना आई है बैठो। चलो मैं खाना बनाने ही जा रही थी। हेलो उमलखर कहाँ है, यहाँ तो उमलखर को छोड़ के आई थी मैं, उमलखर कहाँ है, हमारी बच्ची का है, तुम्हें ख्याल नहीं है अपनी बच्ची का, पता नहीं मैं तो यहाँ लेट आगे गई हूँ, गई है मैं उमलखर, गई थी नानी टू आ रही है, नहीं है मैंने बताया इसको। अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, बैठो बैठो, मैंने कहा चावल अम्मी के लिए लेके आ रही, मैं देख लूँ फिर मैं बनाने जाऊँ कितने आप हाँ हो जाएंगे। हम लोग तो अभी कबाब वगैरह बनाए हुए, मैंने शामी का दो तीन है मैं लेकर आई हूँ, शामी का मैंने बनाए हुए, मैंने खाई नहीं जा रहा बहुत कर दो नमक हो गया, तो मैंने भी बनाए हुए शामी का, मैंने कहा मैं हुमा से कहकर आपने बेटा कल आऊँगी चने की दाल और पीस के, हाँ हाँ फिर डालेंगे जब बैठते खाना, पानी वाली पिलाऊँ बैठे बैठे पानी डाल ठंडा ला तो बहुत देर होगी निकले उसको, कल आई थी थोड़ी देर के लिए बैठने आई थी, लेटने आई थी बैठी नहीं, देख हाला मेरा दिल नहीं चाहता वे अम्मी नहीं होती ना, ये बोल लेते बच्चे बस बिल्ली के चक्कर में, अब बिल्ली भी नहीं है तो अब कहाँ से, हम पहले बिल्ली के चक्कर में आया करते थे, आपका खुद का दिल नहीं लग रहा वहाँ पे अकेले, बल्कि मैं आपको बोल रही हूँ आप रुक जाओ, तो यहाँ रुक जाओ ना, वहाँ ठंडे फर्श पे सो जाए, वहाँ से ठंडा फर्श कोई भी नहीं है ऊपर। अच्छा जी हाँ अल्लाह हाफिज़, देखो बाबा तो नहीं आ गए बाहर खड़े में, बाबा नहीं खड़े में कोने पे, यहाँ से नज़र आ रहे हैं गाड़ी वाड़ी, लेट आएगी साढ़े दस ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक आएंगे, आप कहाँ चल रही है इधर आप यहीं रहो मुल्क है, मैं लाइट ऑफ कर दूँगी बता रही हूँ, चाहेंगी चाबी अल्लाह हाफिज़, चलो आ जाओ आ जाओ चलेंगे यहाँ से देखेंगे ऊपर से, उनके पास लाइट हैगी गाइस, यहाँ पर आप उम्र खैर जैसे कैमरा ऑन हो गया, उम्र खैर उठ के आई, आज क्यों आई उठ के, इसको ऑफिस करोगी करो गाइस को ला। अच्छा जी यहाँ पे उम्र खैर आ चुकी हैं और बस अभी अब खाला आई थी, खाला लेके आई थी हमारे लिए बिरयानी, और बिरयानी लेके आई थी हमारे लिए, तो बस उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया, थोड़ा खाना खाया उन्होंने हमारे साथ, और फिर उसके बाद चली गई, हमने रोका फिर रुक जाएँ क्योंकि अम्मी भी गई हैं, अम्मी भी आप ही के घर गई हैं, तो हमने उनसे कहा रुक जाएँ पर वो नहीं रुकी, उनका दिल नहीं लगता, और अभी भी शकील आए कुछ देर पहले लाइट आई तो शकील आए, शकील को खाना वाना दे के मैंने सुला दिया, रेयान भी सो चुके हैं और शकील भी लेट चुके हैं, उम्र खैर उठ के आ गई हैं, यूँ ही दोपहर में स्कूल से आने के बाद ये सो गएंगे, अब इनकी रूटीन चेंज करनी है क्योंकि अभी अगले महीने से ट्यूशन भी स्टार्ट कर देंगी जाना, तो इनको सुबह रात में क्या करना है ट्यूशन, स्कूल से आके जल्दी सोएंगे फिर जल्दी उठेंगी ट्यूशन जाना है ना भाई,
ट्यूशन जाना है और बस उसके बाद ट्यूशन जाना है, फिर उसके बाद रूटीन चेंज होगी इनकी और ऐसा ऐसा रूटीन पे आएंगे बच्चे, क्योंकि अभी स्कूल खुले तो अभी रूटीन नहीं हो रही, एक दिन जा रहे हैं दो, एक दो दिन छुट्टी हो रही है, फिर एक दिन जा रहे हैं एक दिन छुट्टी है, कल भी इनका ऑफ है। अच्छा अब्दुल लतीफ बिटाई की बरसी की वजह से कल इनका ऑफ है दोनों बच्चों का, स्कूल भी नहीं जाएंगे और शकील का भी ऑफ है, शकील भी घर पे होंगे, तो बस अभी हम लोग यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, शकील आते हैं 11:30 बजे, खाना वाना खाते हैं 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 1:30 बजे का और अभी बस हम सोने जा रहे हैं। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। आज तक लिए बस इतना ही, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।